यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों बता दें, कभी भी आपको उधार के पैसे से लोन लेकर के या कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास जो भी सरप्लस मनी है, मतलब जो भी मनी है जिसका आपको आने वाले समय में जरूरत नहीं पड़ने वाले हैं, उतने ही अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। और हमेशा इन्वेस्ट करने में आपको मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करना है। जब मार्केट में बुलिश साइन हो उसी समय आप इन्वेस्ट में है, जिस समय मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आने का संकेत मिला उस समय आप दूर रहने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो कंपनी है वो गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स है। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स जो की काफी बेहतरीन स्टॉक है। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस का, एक कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स का, स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट का। कंपनी के 200 से अधिक प्रोडक्ट हैं और जो ये प्रोडक्ट है होम केयर, पर्सनल केयर में यूज होते हैं, जैसे हेयर केयर हो गया, ऑरल केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, सॉप हो गया, शैम्पू हो गया, लोशन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गया, जैसे हम टॉयलेट क्लीनिंग, सर्फेस क्लीनिंग, तो इन सारे क्लीनिंग से रिलेटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट। और जो डिफरेंट डिफरेंट FMCG कंपनियां हैं, जो लीडिंग FMCG कंपनियां जैसे HUL हो गया, आपको HTC हो गया, मैरिको हो गया, इसके क्लाइंट हैं। देख कभी भी आप कंपनी के बारे में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर देखिए कंपनी की वेबसाइट पे यहाँ पर तो 200+ प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और 1750 कस्टमर्स हैं कंपनी के और 18+ कंट्री में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें 5 इंडिया में, 1 इजिप्ट में और 1 USA में है। 77 पेटेंट है कंपनी के पास, 2020 से अभी तक में 77 पेटेंट्स है और 6 गुना का ग्रोथ दिखाया कंपनी अपने प्रॉफिट में पिछले 10 ईयर्स में। अगर बात करें इंडिया का तो प्रत्येक 10 में से 9 व्यक्ति जो है इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करता है हमारे देश इंडिया में। तो इतनी सॉलिड कंपनी है, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप से 11,000 करोड़ का है कंपनी का। करेंट प्राइस की बात करें 3,188 रुपीज का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.56% का डिविडेंड यील्ड है। और अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का तो 70.9% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.22 का डेट टू इक्विटी है और टोटल डेट की बात करें 289 करोड़ का टोटल डेट है कंपनी के ऊपर, जबकि रिजर्व कंपनी का 1,266 करोड़ का है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 322 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो कितनी बेहतरीन कंपनी है, ऐसे बेहतरीन कंपनियों के साथ आपको जरूर रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म निश्चित रूप से आपको काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके स्टॉक देगा। अगर कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो देखिए सेल्स 2015 में था 1870 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 3000 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ पिछले 12 महीने में। तो काफी जबरदस्त यहाँ टॉप लाइन ग्रोथ है। और बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें मतलब प्रॉफिट का ग्रोथ, तो नेट प्रॉफिट 67 करोड़ का था मात्र 2015 में, जो कि बढ़ के हो चुका है 322 करोड़ का। तो जबरदस्त यहाँ पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन का ग्रोथ है, तो काफी जबरदस्त ये कंपनी है। अगर बैलेंस शीट की बात करें शेयर कैपिटल मात्र 35 करोड़ का है और रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, 342 करोड़ था 2015 में, जो कि बढ़कर के हो गया 1266 करोड़ का। और डेट की बात करें 451 करोड़ का था, जो कि यहां पर डिक्रीज होकर के हो चुका है 289 करोड़ का। और कैश फ्लो की बात करें कंपनी का कैश फ्लो लगातार जनरेट हुआ है और फ्री कैश फ्लो देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगातार इंक्रीज भी हुआ है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। और रेशियोज की बात करें तो कंपनी का जो डेबिटर्स डेज है देखिए ये भी लगभग कांस्टेंट है, थोड़ा सा मतलब 62 डेज हो चुका है, पहले काफ़ी कम हुआ करता था 51-43 भी, तो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब नेगेटिव साइन है कि डेबिटर्स डे इम्प्रूव हुआ है। और बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का तो यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है, FIs का स्टेक 3.90, FIs का स्टेक थोड़ा घटा है, DIs का स्टेक 13.03 है, DIs का स्टेक भी बढ़ा है, पब्लिक का स्टेक 13.14 है तो पब्लिक का स्टेक भी घटा है, यहाँ DIs का स्टेक बढ़ा है तो और सबका स्टेक थोड़ा थोड़ा घटा है, प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट रहा है।
अगर बात करें कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस का, तो देखिए शॉर्ट टर्म में जो हमारा एंट्री लेवल होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी के जैसे फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से एक मल्टी बैगर रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में अभी एंट्री के लेवल की बात करें तो इसका जो सपोर्ट बन के आता है वो आता है 2940 से लेकर के जो रीजन है 2875, ये जो नीचे का रीजन है ये सपोर्ट का काम करेगा। वहीं ऊपर का जो रीजन है 3250 से लेकर के 3300 तक ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक ये रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं होता है तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। अगर रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो सबसे पहला टारगेट होगा 3500 का, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको निश्चित रूप से होल्ड कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न देगा। उसके बाद दूसरा स्टॉक है वह है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, काफी बेहतरीन स्टॉक। ये जो कुछ समय पहले ही इसका आईपीओ आया था इस कंपनी का, अगर मार्केट कैप की बात करें 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और बात करें डिविडेंड यील्ड का तो 0.10 का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। और बात करें प्रमोटर होल्डिंग 72.9%, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.1 करोड़ का है, जबकि टोटल डेट 141 करोड़ का है, जबकि रिजर्व कंपनी के पास 982 करोड़ का है। वही रिजर्व की बात करें कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व है 982 करोड़ का है। तो इस तरह से कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है जिससे अपने डेट को, अपने कर्ज को आसानी से पे कर सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड की बात करें 22.2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात 17.4% है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक मुख्य रूप से स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, जिसका मुख्य रूप से दो बिजनेस सेगमेंट है, एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। अगर हम कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो आप कंपनी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जब कंपनी के वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो देखिए इसका जो दो प्रोडक्ट सेगमेंट है उसका मुख्य रूप से जो एप्लीकेशन होता है लाइफ साइंस में, क्रॉप साइंस में, पेंट कोटिंग और इंक में, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज में, सॉल्वेंट एप्लीकेशन में, तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है इसके दोनों कंपनी के प्रोडक्ट का जो इंटरमीडिएट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देखिए सेल्स का ग्रोथ 1000 करोड़ से लेकर के 1700 करोड़ हुआ है 2016 से 2021 तक में, जबकि प्रॉफिट 27 करोड़ से लेकर के 127 करोड़ हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जंप है नेट प्रॉफिट में, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाया है, बॉटम लाइन तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। और अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का शेयर कैपिटल है 53 करोड़ का, रिजर्व कंपनी लगातार इंक्रीज हुआ है 982 करोड़, और कंपनी के ऊपर जो डेट है 141 करोड़ का। और वहीं बात करें कंपनी के बैलेंस शीट का तो शेयर कैपिटल 53 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी लगातार इंक्रीज हुआ है 225 करोड़ से बढ़कर के 982, और डेट जो कंपनी का 221 करोड़ था 2016 में जो कि डिक्रीज हुआ है और 141 करोड़ बचा है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है यहाँ पे भी। अगर कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो देखिए लगातार पॉजिटिव रहा है, और साथ साथ लॉन्ग टर्म में कंपनी का कैश फ्लो बढ़ा भी है। तो कैश फ्लो पॉजिटिव हो साथ साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो इंक्रीज भी हो रहा हो तो ये तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है, कंपनी काफ़ी बेहतरीन कर रही है। इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे तो आप 72.92% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, वहीं डीआईज का होल्डिंग की बात करें 5% है, पब्लिक का होल्डिंग 18.49 है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। वहीं टेक्निकल चार्ट की बात करें टेक्निकल चार्ट पे भी स्टॉक काफी सॉलिड दिख रहा है, और यहाँ पर देखते हैं कंपनी यहाँ से जो रैली दिखाया 220 रुपया से तो लगातार ऊपर की ओर मूवमेंट किया और 500 के टारगेट को टच कर चुका है। इस तरह से कंपनी काफी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से ये काफी बेहतरीन करने वाली है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।